उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें, यह गुरुद्वारा यहियागंज में स्थित है। इस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा भेजे गए दो हुकुमनामे और एक हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब भी संरक्षित है। ये पहला हुक्मनामा है जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ पर इस स्थान पर लखनऊ की संगत के लिए भेजा था। इसमें गुरु महाराज ने 5 तोले सोना और जो दसवंध की रकम है वो मंगवाने के लिए आदेश किया है 1693 में। उसके बाद 1701 में ये हुक्मनामा आया है जिसमें तुपक साज सुधा लयावना यानी तोप के कारीगर को बुलाने के लिए, यहाँ पर कोई तोप के कारीगर होंगे और उस समय जंग शुरू हो गई थी उसके लिए ज़रूरत थी। ये दूसरा हुक्मनामा है जो गुरु महाराज ने आप भेजा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लखनऊ में जो सिखी की शुरुआत है वो सिखों के 6वें गुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने, दो गुरसिख भाई चूड़ जी और भाई चौजड़ जी, जिनका जिक्र भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में किया है सिखों की नामावली में, वो दोनों गुरसिख यहाँ पे सिखी के प्रचार के लिए आए और उस समय से ही यहाँ पे सिखी जो है वो प्रचार के माध्यम से जो नानक नामलेवा संगत है वो काफ़ी एकत्रित होनी शुरू हुई। और इसके बाद फिर गुरु महाराज के सुपुत्र बाबा गुरुदत्ता जी वो भी यहाँ पे आते रहे। उदासी संप्रदाय से वो ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उदासी संप्रदाय ने सिख धर्म के प्रचार में बहुत अहम योगदान दिया है। लखनऊ में बहुत सारे उदासी संप्रदाय के स्थान हैं, उसमें से ये एक स्थान भी जिसको हम ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब अहियागंज कहते हैं, ये उदासियों के द्वारा ही संचालित किया जाता रहा है। तो गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जब आसाम और पटना साहिब से वापसी कर रहे थे तो उस समय गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज 1670 में यहाँ पर पहुँचे हैं। तो वहीं यहाँ पे गुरु महाराज 3 दिन रुके हैं जिसका जिक्र प्रिंसिपल सतवीर सिंह जी की पुस्तक में है। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज यहाँ पर 1672 में आकर रुके हैं। यहाँ पे तकरीबन उन्होंने 2 महीने यहाँ पर रुके हैं, किसी किताब में 2 महीने 13 दिन भी है। सो उनके साथ में माता गुजरी जी, मामा कृपाल चंद जी और भी गुरसिख थे। लेकिन ये नहीं कि 1672 से यहाँ से जाने के बाद गुरु महाराज का संपर्क यहाँ से टूट गया, ऐसा नहीं था। गुरु महाराज ने 1686 में यहाँ पे एक हैंड रिटन हस्तलिखित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप भेजा, जिस पे जो पुरातन तारीख है सम्मत 1743 आषाढ़वदी 9 यानी आषाढ़ महीने की 9वीं तारीख को यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पावन स्वरूप हस्तलिखित, जिस पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दस्तखत हैं, जिस पे गुरु साहिब जी के द्वारा उसको लिखने की स्याही की जो विधि है वो भी लिखी गई है। इसी तरह का प्रारूप एक पटना साहिब में भी मौजूद है, उसी तरह के भी गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप है वो, तो वो यहाँ पर भेजा गया। इससे ये एक पता चलता है कि यहाँ पे उस समय में भी सिखों की एक अच्छी आबादी रहा करती होगी कि गुरु महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप भेजा ताकि सिख बाणी पढ़ सकें, गुरबाणी सुन सकें, गुरबाणी गा सकें, क्योंकि जो सिखों का सिद्धांत है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी से ही आता है। तो उसके बाद भी गुरु महाराज ने यहाँ की संगत से, मतलब लखनऊ के लोग भाग्यशाली हैं कि महाराज ने संपर्क बना के रखा। फिर गुरु महाराज ने 1693 में एक हुक्मनामा भेजा जिसको हम चिट्ठी भी कह सकते हैं, आदेश पत्र जिसको कहा जाए, तो वो यहाँ पे सुरक्षित है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप भी है। 1693 में जो पत्र आया, जो हुक्मनामा आया, उसमें गुरु पातशाह जी ने दसवंध और 5 तोले सोना यानी कि गुरु महाराज के पास भेजना है सेवा के रूप में उस समय के समय में, तो वो एक पहला पत्र है। दूसरा एक और हुक्मनामा है जो कि 1701 में आया। उस समय जंग शुरू हो गई थी मुग़लों से या उस समय की हुकूमत से, तो गुरु महाराज ने तुपक साज सुधा लयावना ये आदेश लिखा है कि तोप का एक कारीगर जो यहाँ पे कोई तोप बनाने वाला साजिंदा होगा, उस समय जंगों में लड़ाइयों में तोप की ज़रूरत पड़ती, तो गुरु महाराज ने मुग़लों से टक्कर लेने के लिए ये भी एक आदेश पत्र यहाँ पे भेजा, तो वो 1701 में आया। यानी कि 3 ऐसे मौके हैं
जिसमें गुरु महाराज ने यहाँ की संगत से संपर्क साधा है। एक 1686 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप भेजा, सन 1693 पहली चिट्ठी भेजी, हुक्मनामा भेजा, सन 1701 जिसमें दूसरा हुक्मनामा भेजा है। तो वो सभी तीनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद।